भगवती मानव कल्याण संगठन की प्रेस वार्ता। आज दिनांक जबलपुर में भगवती मानव कल्याण संगठन ने प्रेस वार्ता में मीडिया से साक्षात्कार होकर बताया, जन कल्याणकारी आध्यात्मिक संगठन जिससे देश विदेश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। यह संगठन समाज में आपसी भाईचारा बनाने, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतना वन, पुरुषार्थी एवं परोपकारी समाज का निर्माण करने के साथ ही जाति में छुआछूत, सांप्रदायिकता आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करके सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक सूत्र में पिरोते हुए समाज के बीच आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करके लोगों को मानवता के पथ पर बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संगठन समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति चेतना जन जागरण शिविरों एवं यात्राओं का आयोजन करता है। आपको बता दें, विश्व का यह पहला संगठन है जो नशा मुक्ति के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जिला शहडोल ब्योरी अनुविभाग क्षेत्र स्थित आश्रम में 3-4-5 अक्टूबर 2022 को युग परिवर्तनकारी त्रिदिवसीय विशाल शक्ति चेतना जागरण श्रद्धाश्रम स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और ऋषिवर सदगुरुदेव श्री शक्ति पुत्र महाराज के संकल्पित युग परिवर्तन की यात्रा निरंतर गतिमान है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के कृपा से हम सबके आराध्य गुरुदेव जी परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र महाराज ने आज से 25 वर्ष पूर्व सन 1997 में पंच ज्योति शक्ति तीर्थ दर्शन धाम की स्थापना की थी। 25 वर्ष बाद वो स्थापना करने के बाद धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा का संकल्प लेकर आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना से वो यात्रा पूरे देश में आज लगभग 168 जिले में संगठन का एक रूप ले लिया है। इसने जो निःशुल्क निस्वार्थ सेवा भाव के साथ कार्य कर रहा है, आज लगभग 20 लाख से अधिक परिवारों को नशे मांग से मुक्त कराकर और माता आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों से जोड़ दिया गया है। उसी क्रम में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस बार 3-4-5 अक्टूबर को महाशक्ति संगनाथ का कार्यक्रम पंच ज्योति शक्ति से दशम धाम के प्रांगण में रखा गया है और मैं आप लोग के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ, लगभग 1 लाख लोग वहाँ सम्मिलित होंगे, उस जो शंखनाद करेंगे, हजारों लोग होंगे जो नशा छोड़ेंगे। आप लोग के माध्यम से भी मैं लोगों का आह्वान करता हूँ, जबलपुर के संभाग में जो भी व्यक्ति नशे से परेशान है या अध्यात्म का कोई रास्ता ढूंढ रहा हो या धार्मिक जीवन जीने का कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। वो 3-4-5 अक्टूबर को वहाँ आए, माता आदि शक्ति जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जबलपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।